सिद्धार्थ शुक्ला के जितने भी करीबी हैं और आसपास के जो उनको जानने पहचानने वाले लोग हैं और जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, वो सब ये बता रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला ने कल रात को सिद्धार्थ शुक्ला की तबीयत खराब हुई थी। तो तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने कुछ दवाइयाँ खाई, कुछ मेडिसिन्स खाई, और जैसे ही उन्होंने मेडिसिन्स खाई वो सोने चले गए, अपने कमरे में गेट लगा लिया उन्होंने। अब क्या होता है, सुबह जब उनको जगाया जाता है तो उनका दरवाजा नहीं खुलता। देखिए, सेम चीज जो थी, बिल्कुल सेम चीज सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुई थी। मैं यहां पर इन दोनों को लिंक नहीं करना चाहूंगा, मैं क्वेश्चंस उठा रहा हूं, मैं क्वेश्चंस रेज कर रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं। यहां पर सेम चीज एसएसआर के साथ भी सेम चीज हुई थी। दरवाजा खोला गया था, दरवाजा नहीं खोल रहे थे सिद्धार्थ शुक्ला। अब जब जाकर देखा तो सिद्धार्थ शुक्ला, जो लोग बता रहे हैं कि उनकी जो डेथ थी वो हो चुकी थी पहले ही। जब डॉक्टर के पास ले जाया गया, हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ पर एक जुहू के पास ही एक मतलब फेमस हॉस्पिटल है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर ले जाया गया, तो वहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और कहा कि जो डेथ है वो पहले ही हो चुकी थी, डेथ पहले ही हो चुकी थी, और जो है हार्ट अटैक की वजह से डॉक्टर बता रहे हैं। हालांकि पोस्टमार्टम अभी नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। तो सच में बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें तो उनका जो कैरियर, जो पीक पर जो उनका कैरियर था, दिल से दिल तक में जो काम किया उन्होंने, बिग बॉस 13 जब जीता, उसके बाद फिर उनको करण जौहर की नज़रों में आए वो, और करण जौहर ने उनको एक बहुत ही ज़बरदस्त आलिया भट्ट के एक अपोजिट जो रोल दिया हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग की थी। वालिका वधू, बाल बाबुल का आंगन, इस तरह के कुछ जो सीरियल्स थे उनमें काम करके सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी जो है पहचान बनाई, एक उभरते हुए सितारे, एक सच में जगमगाते हुए उभरते हुए सितारे, जिसका कोई गॉडफादर नहीं था, जो बिल्कुल सेम सुशांत सिंह राजपूत की तरह सीरियल से आए। अब उनका जो कैरियर था इस टाइम ये जो मोमेंट है, इस टाइम उनका कैरियर बिल्कुल कंप्लीट पीक पर था, कंप्लीटली बिल्कुल। अब ऐसा क्या हुआ है, क्या दिक्कत हुई है, मौके पे इतना कैरियर पीक पर था और एक्टिंग भी अच्छी करते थे, मौके नहीं दिए जा रहे थे। लेकिन एक चीज़ देखो, मौके नहीं दिए जा रहे थे। जो बॉलीवुड का जो गेम है ना, ये सच में बहुत बेकार है। कई बार स्ट्रेस और टेंशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई बार बहुत परेशानी हो जाती है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि सिद्धार्थ शुक्ला को बिग बॉस 13 जीता, उसके बाद से मतलब कोई किसी फिल्म में नहीं लिया गया उनको, क्या सीन है, क्या चल रहा है, ये बॉलीवुड क्या कर रहा है। ये जो जो ऐसे सितारे हैं जिनका कोई गॉडफादर नहीं है, जो अपनी दम पर बॉलीवुड में आए हैं, जिन्होंने सीरियल्स में काम किया, उसके बाद अपनी पहचान बनाई, इतना पीछे से वो काम करते हुए आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं फिल्मों में लेते हैं। पता नहीं वही बूढ़े एक्टरों को लेते रहेंगे फिल्मों में, और दूसरा ये जो जो किड्स हैं, नेपो किड्स हैं, उनको लेते रहेंगे, कुछ एक्टिंग नहीं आती, कुछ नहीं आती, बढ़िया बढ़िया फिल्मों में ले रहे हैं उनको, जो रियल टैलेंट है उनको कुछ वही नहीं कर रहे हैं। ये तो कुछ नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की तो एज जो थी वो 34 थी। सोचो सिद्धार्थ शुक्ला की एज पर हमें इतना इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, सच में भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और एसएसआर की जो एज थी वो तो 34 थी। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस है ना वो बड़ा है यहाँ पर। खैर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी भी बाकी है, और फिटनेस फ्रीक थे सिद्धार्थ शुक्ला तो, और बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक थे यार। मतलब एक ऐसा पर्सन जो लगता ही नहीं था कि 40 साल का है, वो व्यक्ति जो है उसकी एकदम से अचानक से डेथ हो गई, और कुछ कुछ क्लियर ही नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। खैर, देखते हैं पोस्टमार्टम में क्या होता है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। भगवान सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा को सच में शांति दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, आप भी अपना इसमें ओपिनियन शेयर करिए, कुछ ना कुछ आप भी को कुछ पता लगा होगा, तो प्लीज़ ओपिनियन शेयर कीजिए इस बारे में कि आपको क्या और जानकारी हुई है। फिर हम सब मिलकर इन सारी चीज़ों से लड़ेंगे, इन सारी चीज़ों का सामना करेंगे। थैंक यू वेरी मच।